मुझे इकरार भाई से मिलना है। वो आपको बताया तुर्की गए हुए मेरी किंदा अचानक कैसे धोखा दे क्या धोखा दिया उसने आपको? उसने शादी कर ली मेरे अरमानों पे पानी फेर गई हो किंदा जाओ तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे दरमियान जो बच्चे आए उनको मोशन लग जाए हमारे हस्बैंड जब लूडो खेले छेकानी के साथ उनका कुत्ता मर गया तकरीबन 74 डेटे मारी उसके साथ काश वो टाइम मैं अपने माँ बाप की खिदमत में गुजार लेता। अभी वो फिर आ गया भाई जो लड़का आया था ना सुबह। अच्छा फिर आ गया उसने बड़ा शोर डाला हुआ भाई ना। फिर शोर डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग। ये आपने सुना है कि अभी बच्चे ने मुझे बताया कि एक लड़का आया बाहर आज सुबह से कोई नौजवान आ रहा है। पहले मैं सो रही थी तो वो आके पहले इकरार के बारे में पूछ रहे हैं। उनको बच्ची ने बताया कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है तुर्की में, तो कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं। फिर उसको समझाने की बच्चे को भेजा, उसने कोशिश की, अभी फिर आ गया ये बच्चा बता रहा है। मेरा ख्याल है एक दफ़ा जाके देख लेते हैं कि क्या मसला है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि रोद हो भी रहा है। तो आएँ देखते हैं, आप भी साथ चलें देखें कि क्या मामला है उस बच्चे का। आ जाए चलो बेटा चल के देखते हैं। ये तो बैठा हुआ, ये तो अभी तक बैठा। आपे, आपे, क्या हुआ है? आपे इकरार भाई नहीं है। बेटा रोना तो बंद करो। इसको नीचे जाके देखते हैं, इसको कुछ पानी शानी पिला। आ जाओ नीचे चलते हैं मेरे ख्याल इसके साथ। आ जाओ पानी का ग्लास पकड़ लेते हैं ताकि उसको दें, उसकी तो हालत बुरी है। उसको पिला लेते हैं, उसकी तो हालत बहुत खराब है। आ जाओ। ओहो क्या हो गया, रोना तो बंद करो। क्या हुआ है? मुझे इकरार भाई से मिलना। बेटा वो आपको बताया तुर्की गए हुए हैं। पानी पियो, आप पहले पहले चुप करो, पानी पियो, अंदर आओ। आओ आओ ये पानी पियो, मेरी किंदा। ओहो क्या हो गया, हौसला करो, मैं सुनती हूँ तुम्हारी बात। ये पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, रोना बंद करो, रोना बंद। इसको अंदर लेके चलते हैं। पियो और थोड़ा पानी पियो, इसको तो हाल बुरा हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे समझाऊं, क्या हो गया इसको समझ से। टूटे कहाँ है तुम्हारे, नंगे पाँव ये लड़का आया और सुबह से इतने चक्कर लगाए। इसको बताया इकरार यहाँ पर नहीं है, ये देखे इसका हाल देखे। उठो अब मैं तुम्हें उठा भी नहीं सकती ना, हिम्मत करो, उठो 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 उठो, शाबाश, जूते के बगैर बस उठो उठो उठो। ओए होए होए होए, बस बस बस, हिम्मत 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 बस। आज रोना रोना बंद ना, रोना बंद, मैं अब सुनती हूँ सारी बात। आज ये नौजवान आपने देखा है, अभी थोड़ा हौसले में आ गया है, बात करने के काबिल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसे वक्त पे, मैं वाकई बड़ी अजीब सा महसूस करती हूँ कि मैं क्या करूँ। आप अपना नाम तो बताओ, मुझे कुछ बताओगे तो पता चलेगा। मेरा नाम अहमद। अहमद क्या हुआ है, किंजा कौन है, क्या हो गया? अभी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मैं किंजा से सच्ची मोहब्बत करता था, मुझे नहीं पता था किंजा मेरे साथ है। आप यकीन जाने सुबह से पता नहीं कितने चक्कर इसने लगाए हैं, और ये कह रहा है मुझे मिले बगैर नहीं जाना, आप लोगों के घरों पे छापे मारते मेरी मदद करो, मदद कुछ बता ही नहीं रहा है कि क्या किंजा को क्या हुआ। किंजा से मुझे सच्ची मोहब्बत थी। अच्छा। वो भी करती थी लेकिन धोखे वाली मोहब्बत करती थी, मुझे नहीं पता था कि किंजा अचानक ऐसे धोखा दे। क्या किया, क्या धोखा दिया उसने आपको? उसने शादी कर ली। अल्लाह किंजा मेरे अरमानों पे पानी फेर गई हो। अगर तुमने ऐसे करना था मुझे तकरीबन 3 माह पहले बता देती, मैं किसी और लड़की का अरेंज कर लेता। इकरार भाई आप इकरार भाई को बता दें किंदा के ऊपर छापा मारे, उसने मोहब्बत में धोखा दिया। मेरी बात, उस लड़की ने शादी की है ना, और अब उसका बार बार नाम नहीं लेना,
उसकी शादी हो गई है, तो ये आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती पहले? अब ये जो हाल बनाया हुआ है, अब तुम्हारी अम्मी देखेंगी, अब्बू देखेंगे, बहन भाई देखेंगे, वो क्या सोचेंगे? अगर वो आपके साथ उसकी मोहब्बत में सच्चाई होती तो वो आपकी बीवी होती, समझने की कोशिश करें। आप जो सुबह से ये सुबह से जो चक्कर काट रहे हो, सुबह से जो हमें भी परेशान किया हुआ है, घर वाले सोच रहे होंगे कहाँ चला गया, आप किंजा किंजा करते जा रहे हो, कोई है बात करने वाली? अच्छे खासे नौजवान, अच्छा खासे, मुझे तो इस पे गुस्सा आ रहा है। किंजा जाओ, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे दरमियान जो बच्चे आए उनको मोशन लग जाए। किंजा मेरी बात सुनो, ये मैं भी सीन बता, तुम्हारे हस्बैंड जब लूडो खेले छेकानी के साथ उनका कुत्ता मर गया। अच्छा अभी बस करो, मुझे ना आप लोगों को भी लग रहा होगा ये रो रहा है, मैं हंस रही हूँ, लेकिन मुझे ये बेवकूफ़ी की समझ नहीं आ रही। किंजा ने मेरी मोहब्बत की किताब फाड़ के आलू चने वाले को दे दी है। तो आप भी मोहब्बत की किताब फाड़ दो, ये सच्ची मोहब्बत नहीं होती। मैं सच्ची मोहब्बत करता था, ये किंजा ने। अच्छा, ये देखिए, दिखाओ, देख ले, इसकी भी देख ले और सुन ले। अभी अभी पहले अब रोना नहीं है, तो अगर रोगे तो मेरे से मार खा लोगे। कोई बात है जिसकी खातिर इसने इतना सुबह से अजाब किया है सबके लिए? ये देख अहमद, मैं बस आपकी हूँ, मैं किसी की नहीं हो सकती। ओह बस ना, मेरा जीना मरना आपके साथ। अच्छा, बस अब उसने मरना मेरे साथ रखा है, जी तो किसी और के साथ। मरना भी नहीं है तुम्हारे साथ। मैं तो मर गया हूँ। नहीं, कोई मरे नहीं हूँ, क्या हो गया? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हें प्यार करने वाले माँ बाप बहन भाई हैं। हौसला करो ना, अब वो चली गई है, वो उसकी शादी हो गई, इस चीज़ को मानो, ज़हनी तौर पे मानो। और ये कि अब उसकी ज़िंदगी है ना, उसको बददुआएं नहीं दो, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, जो होना है वो हो गया। अब तुम्हारे रोने पिटने से वो वापस नहीं आएगी, अपने घर में खुश है, वो तुम्हें याद भी नहीं कर रही हो। मैं याद कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपको पता, मर्द की मोहब्बत हमेशा खालिस होती है, मिलावट नहीं होती। वैसे मर्द की भी वो खालिस मोहब्बत नहीं होती है, बेचारा कोई बहुत ही मोहब्बत का मारा है। अभी इस वक्त घर पे और कोई नहीं कि आपको तसल्ली दिलासे दे, आपको मैं ही हूँ। अच्छा, आप हौसला करो, अब थोड़ी मेरी बात सुनो, ठीक? अब थोड़ा इजी हो जाओ, इजी टेक लगाओ, ये फोन मुझे दे दो, टेक लगाओ, थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटो, चलो शाबाश। मैंने किंजा के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, मैं सुनती हूँ सारा, बस अभी खामोशी से, खामोश। अब मैं सुनती हूँ कि किंजा ने किया क्या और तुमने किंजा के लिए क्या किया, जरा अब बताओ, अब नॉर्मल बताओ, अब रोना वोना नहीं, वरना बहुत मार पड़नी है मुझसे। किंजा मेरी फोर्थ क्लास की क्लास फेलो थी। अच्छा, हमने स्कूल भी इकट्ठा पढ़ा, कॉलेज भी हमने इकट्ठा पढ़ा था, यूनिवर्सिटी भी इकट्ठे थे। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक कैसे होगा, उसने बताया भी नहीं। जब कल उसकी बारात आई है, मुझे मोहल्ले के चंद लोगों ने बताया कि तुम्हारी दोस्त की तो बारात है, तुम इधर क्या कर रही? फिर रो रहे हो, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। समझाया ना, अब उसकी शादी हो गई, वो अगले घर चली गई, चलो जो भी है ठीक है, तकलीफ़ होगी, लेकिन जितनी तकलीफ़ इस हालत में तुम्हारी माँ को देख के होगी, वो किसी को नहीं होगी। उसे तुम्हारी तकलीफ़ होती तो वो कहीं और शादी ना, ठीक है? लेकिन अभी जो कुछ मैंने किंजा के लिए किया, क्या किया ये मैं अपने माँ बाप के लिए क्यों कर सका? ये बात अब सही थी ना, तो मैंने दिन रात किंजा की मोहब्बत में बर्बाद कर दी, पैसे लुटा दिए होंगे, मैंने किंजा को तरह तरह की शॉपिंग करवाई, मैंने तकरीबन 74 डेटे मारी उसके साथ, पार्कों में घूमते रहे, वो लम्हा याद आया, वो वक्त मैंने बर्बाद किया, बर्बादी ही है, काश वो टाइम मैं अपने माँ बाप की खिदमत में गुजार लेता। अब गुजार लो, अभी भी कोई नहीं, तुम कोई मर नहीं रहे हो, कोई खुदा ना खास्ता कियामत नहीं टूटी है, वक्त है, अभी भी संभलो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उस माँ की, उस बाप की जिसने कमा के दिया, माँ ने इतना छोटा सा पाला होगा। माँ ने पाला, किंजा ने तो पाला हुआ बच्चा बर्बाद कर दिया। अब तुम कोई बर्बादी में नहीं हो, अब ठीक हो गए, अब जरा हौसला करो, अब फिर नहीं रोना, नहीं रोना। अब ऐसे और बहुत से नौजवान होंगे जो इस तरह रोते धोते होंगे, हमने और लोगों को भी देखा है, तो ऐसे सारे तुम्हारे जैसे जो नौजवान हैं उनको आज क्या कहोगे? मैं सब भाइयों से इल्तिमास करता हूँ, मेरी गुजारिश है, कुछ नहीं पड़ा हुआ इन मोहब्बतों में, सब धोखा है। देखो माँ बाप ही सब कुछ है, बस अपने माँ बाप के लिए जीते रहो, ये दुनियादारी के लिए जीना छोड़ दो, मेरी गुजारिश है, बस माँ बाप है सब कुछ, माँ बाप। हाँ, बस अब रोना नहीं है ना, रोना नहीं, अभी जाओ
फूल खरीदो, गिफ्ट लो, अपनी माँ को जाके दो, बाप के लिए दो, उनको कहीं खाने पे ले जाओ, कहीं जैसे जाते थे लेके उस लड़की को, उनके साथ घूमो फिरो, उनको वक्त दो। और कोई अच्छी पसंद लड़की आती है तो बाकायदा रिश्ता भेज के उससे शादी करो, यूँ ना खुद ख्वार हो ना किसी को करो, ठीक है? ठीक है अभी, ठीक है, बहुत मेहरबानी, बस बस कोई मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बस अब ठीक हो, अब बहुत शुक्रिया। अब ये देखें ना, मैं भी आखिर में नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमने दुनियावी चीज़ें ढूंढ ली हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपना ली हैं, रिश्ते जो होते हैं आपके, ताल्लुक जो होते हैं करीबी, वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, उनकी कदर करना सीखें। और इस तरह जो आपके साथ धोखा करता है वो कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, उनको ना ज़रा आँखें खोल के देखें और देखें कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं है, वरना इस नौजवान जैसा हाल होगा जिसको मैं कितने घंटे से बैठ के तसल्लियाँ दे रही हूँ।